जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। हेलो, हाँ सर, जय बोले जी। हाँ जी, जय बोले जी। मेरे को ये जानना था कि अभी जो रजिस्ट्रेशन का डेट जो आगे बढ़ा है क्या? हाँ जी, 4 मई के बाद तो चलेगा। 4 मई के बाद ना? और आपके उधर तो कोरोना का बहुत क्या हो गया, मरीज वगैरह बहुत हो गया ना? हमारे यहाँ भी अच्छे से रहिएगा आप, ठीक है? बिल्कुल। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुवाहाटी से। अच्छा, तो गुवाहाटी में तो कम ही है अभी, यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे कम है यहाँ पे, उसके लिए डिफरेंट मतलब यहाँ पे जो है ना, यहाँ की जो पब्लिक वगैरह है ना, तो अपने डिस्टेंस बना कर ही जाते हैं, मतलब जो 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 गवर्नमेंट जो जो बात बोलती है उसको फॉलो करते हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल जरूरी भी है जी फॉलो करना। वही ना, अपने बिहार में क्या होता है, यूपी बिहार वैसा में ये सब उतना नॉर्मली सब ले लेता है ना, सीरियसली नहीं लेता है मतलब। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, बोल रहे थे कि मतलब मिनिमम खर्चा कितना आ जाता है? आप तो एक वीडियो देखे थे, वही 5-6 हज़ार आप बताए थे। मिनिमम खर्चा अगर ट्रेन का, वही आपके ऊपर है। मिनिमम अगर बंदा स्लीपर से जाए और वैसे आए, तो दिल्ली से बात करूँ मैं तो 300 रुपये जाने का, 300 आने का 600, बस का 2000, 2600, 3000, 4, 5.5 हज़ार रुपये मान लीजिए मिनिमम खर्चा। और सर ये बताइए, जम्मू तभी से, ठीक है, जम्मू तभी मैं एक बार वैष्णो देवी जा चुका हूँ, ठीक है, और जम्मू तभी से मतलब जम्मू तभी से तो वैष्णो देवी कटरा के लिए चली जाती है बस ना। हाँ जी। वहाँ से जब कटरा वाली जो बस स्टैंड है, मतलब वहाँ पे जो बस स्टैंड है, वहीं से जम्मू तभी से बस स्टैंड से मिल जाता है क्या गाड़ी? जो जम्मू वाला जो बस स्टैंड है वहाँ से आपका, वहाँ से 5-1 किलोमीटर पे भगवती नगर है, यात्री निवास ना, वहाँ से। हाँ, वहीं से। तो क्या कोई गाड़ी वगैरह मिलता होगा वहाँ से? ऑटो वाला मिलता है, ऑटो में आप जाके भगवती नगर में आराम करें, अपना टिकट ले लें, सुबह वहाँ से बसें चलती हैं, शाम तक आपको पहलगाम या वहाँ छोड़ देंगे आपको, आपके बालटाल में। जो जो आप मतलब कि एक आदमी मिनिमम मतलब कि मान के चलिए 7 हज़ार का क्या सर? मिनिमम में, हाँ मतलब मैक्सिमम मिनिमम, हाँ मतलब अगर कोई जाएगा मतलब कि वो भी मतलब कि हम तो वो बोल रहे हैं कि 9, 8, 10 तक आ जाए तो भी अगर कोई आदमी जाएगा तो फिर कुछ नहीं ना? इतना खर्चा नहीं आता आपका। आपका ट्रेन का कितना क्या टिकट है जम्मू तक का? जम्मू तक मान लीजिए नहीं, यहाँ से अगर होगा भी तो 2000 या 3 हज़ार के आसपास होगा। एक साइड का स्लीपर का होगा? अरे नहीं नहीं मतलब भैया, इतना नहीं होगा, ज्यादा नहीं, 16-15 होगा, सॉरी 15-16 होगा स्लीपर का। स्लीपर का होना चाहिए? नहीं, दिल्ली से 300 रुपये है ना, जम्मू का आपके यहाँ से मैक्सिमम मतलब यहाँ से हम बता रहे हैं, यहाँ गुवाहाटी से बता रहे हैं। हाँ, गुवाहाटी से 1000 रुपये लगा लीजिए, 1000 रुपये आने का, वही ना 1000-1200 के आस पास है। हाँ, 1200-1200-2400 हो गया। अब यहाँ से मतलब एक तो मिनिमम बात है कि अगर गुवाहाटी से जाना है तो भाई स्लीपर वगैरह में से कहीं जाना पड़ेगा ना, एसी में जाना पड़ेगा, तो हालत खराब हो जाएगा ना यहाँ से जाने में। हाँ, क्या मान लीजिए आप 2000 रुपये मान लीजिए मोटा मोटा, है ना, 2000 रुपये आने का जाने का, 2000 रुपये, 4000 रुपये तो आपका यही हो गया अप डाउन का ही, है ना। आगे भगवती नगर से वहाँ जाने का आप 700 रुपये मान लीजिए, ठीक है, मिला के आपका 5000 रुपये हो गया। यात्रा में 15-2000 रुपये टेंट का मान लीजिए मैक्सिमम, मतलब अगर मतलब बहुत ज्यादा, वैसे तो आपका पहलगाम में रुकोगे आप शेषनाग 300-300-600-600-1200-1500 रुपये में टेंट मान लीजिए पूरी यात्रा का। पिट्ठू करेंगे तो पिट्ठू का देना पड़ेगा। और मेरी नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं जा नहीं सकता हूँ, मेरी मम्मी है और मेरे पापा है, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार चला जाऊँ कि अगला बार जाऊँ, क्योंकि अभी इतना माहौल खराब चल रहा है ना। नहीं नहीं, इस बार अगर ये कोरोना वायरस वाली जो दिक्कत है तो ठीक हो जाती है, तो आप इसी बार यात्रा कर लेना, देख लेना रूट वगैरह कैसे कैसे, अगली बार मम्मी पापा को करवा देना। अच्छा, वहाँ जाने में कोई दिक्कत वगैरह नहीं ना आता है? मतलब ये होता है ना कि देख रहे थे, डरता है सब ना कभी कभी, केदारनाथ वाला जो हाल हुआ था ना। अभी तक तो ऐसा मौसम भगवान के पास ही नहीं हुआ, जब होना होगा तो नहीं होगा। हाँ, ऐसा तो नहीं अभी तक, पर हाँ मौसम खराब बाबा के हाथ में। हाँ बिल्कुल, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इतना 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 तो कंफर्म है कि वहाँ पे या सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है। हाँ जी, हाँ जी, सिक्योरिटी टाइट रहती है। हमारे अमित शाह जब से वहाँ के क्या बोले उनसे बने हैं ना, तब से एकदम सिक्योरिटी वहाँ एकदम टाइट रहा है, इसलिए अगला साल भी एकदम टाइट है। मतलब कि आप ही लोग नया नया चैनल आप
अगले साल से ही चालू किए थे ना आप, हाँ 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 जी आपका चैनल, हाँ जी, आपको वहीं से हम फॉलो करते हैं। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बहुत पुराना आप सब्सक्राइबर है, कोई लेकिन भी हम इन्फॉर्मेशन देखिए अब आपके आपका रिकॉर्डिंग का जो वीडियो सब आया था ना यूट्यूब हाँ जी हाँ जी पे, हम सुने कि इसीलिए आपको कमेंट बॉक्स में नंबर के लिए बोला था आपको, आरके करके हुआ नाम से, हाँ जी हाँ जी इसीलिए हम सुने सर से थोड़ा बात कर लेते हैं क्या। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ भी पूछना हो आप कॉल कर सकते हैं। और ये सर एक मिनट मतलब टाइम है ना आपके पास सर? हाँ जी हाँ जी हाँ बोलिए। बोल रहे थे कि मतलब कि जैसे कि यहाँ से मतलब कि पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा वो बैंक से ना, जो जो साइन बोर्ड में बैंक देती कौन कौन सा, मतलब PNB सबसे पहले मेडिकल कराना होगा, जो आपकी लिस्ट आई है सबसे पहले। हाँ, उस लिस्ट में जो डॉक्टर का नाम है वहाँ से आपको सबसे पहले मेडिकल करवाना होगा, ठीक है। मेडिकल के बाद आपने किस डेट में यात्रा में जाना है, शुरू में जाना है लास्ट में, यात्रा कब करना चाहते हैं आप? मतलब कि शुरू में ही, शुरू में नहीं बीच में हो, बीच में भी चलेगा। सर दो चीज़ें हैं, अगर आप मतलब 23 जून से लेके 5 जुलाई तक यात्रा पे जाते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है, ऑनलाइन होगा आपका। उसके बाद जाते हैं तो आप बैंक में भी जाके करवा सकते हैं। तो जब आप डेट डिसाइड कर लेंगे अपनी कि आपको यात्रा पे कब जाना है, उसके बाद आप करना ऑफलाइन है। के लिए बैंक में जाना पड़ेगा ना? हाँ जी हाँ जी, उसके बाद के लिए बैंक में भी करवा सकते हैं, मतलब ऑनलाइन तो रहेगा रहेगा, एक बैंक का भी ऑप्शन हो जाएगा बाद में 5 जुलाई के बाद आपके पास। तो जब आपकी डेट डिसाइड हो जाए तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं मैनेज। बैंक ही डिसाइड करेगी ना डेट, डेट उसके बाद। नहीं, आप भर के आप जाएंगे बैंक में, भर के देंगे मुझे ये डेट चाहिए, वो कहेंगे इस डेट की परमिट नहीं है। रूट डिसाइड कर लिया आपने कौन से रूट से जाना है? और सर रूट आप बताइए ना कौन बढ़िया होगा रूट? पहलगांव से जाना और बालटाल से वापिस आना, अकेले ही है कोई और भी साथ में? नहीं नहीं मम्मी है पापा है हम। पहलगाम हाँ तो पहलगांव से जाना और बालटाल से वापिस आना। से जाना, बालपुर से वापस ना। हाँ जी और सर ये बता रहे थे कि यहाँ ये रहता है क्या कि कौन सा बैंक, मतलब बैंक भी सिलेक्टेड रहते हैं क्या? यस बैंक, J&K बैंक और PNB बैंक, तीन बैंक रहते हैं जिनमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यस बैंक, PNB और J&K बैंक, 443 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया होती हैं। वो है लिस्ट है आपके पास बैंक की, मैं आपको भेज दूंगा, उसमें देख लेना बैंक आपके नियर बाई लिस्ट। कहाँ आप पर। मेरा आप एक काम करना सर, मेरा नंबर को आप अपने ग्रुप में ऐड कर लेना सबसे पहले, ठीक है? आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिए, नाम और अपना दे दीजिए गुवाहाटी से। इस नंबर से व्हाट्सएप है ना? हाँ मेरे इसी नंबर पे व्हाट्सएप है। चलिए सर हम आपको मैसेज करते हैं, ठीक है? हाँ मैसेज कर देना जो भी इन्फॉर्मेशन चलिए चाहिए हो अच्छे से तो। हाँ रहिएगा, ठीक है सर? जी बोल रहे थे कि अच्छे से रहिएगा सर, आप है ठीक तो हम ठीक लोग भी हैं, नहीं नहीं ठीक है ध्यान सर? रखेंगे, आप भी ठीक से रहना अच्छे से, ठीक है अरे भैया। नहीं आप जानकारी दे जो देते हैं ना, आप रहिएगा तभी तो हम लोग भी हैं, नहीं नहीं ऐसा जानकारी नहीं, तो बस हम लोग कृपया भी। बोले ना जी कि आप भी हाँ अपना ध्यान जी रखिए, ठीक है थैंक यू ठीक है ठीक है, जय बोले एंड द नेक्स्ट। जय बोले। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी।